अब आपके शहर दमोह में मध्य प्रदेश की उत्कृष्ट गेहूं का उच्चतम तकनीक विधि से निर्मित लाडली चक्की फ्रेश आटा सात्विक और शुद्धता से परिपूर्ण शकुंतला फ्लोर मिल औद्योगिक क्षेत्र मारुताल दमोह है। यूसी मास के प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। ये आपके बच्चों की बुद्धि विकास की क्लास है। पता सार्थक अविकास एकेडमी डॉक्टर अग्रवाल बिल्डिंग सागर रोड दमोह। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। कोरोना कर्फ्यू का दूसरा दिन शहर की गलियां सुनसान। जी हां, दमोह शहर में दूसरे दिन भी कोरोना कर्फ्यू का काफी असर देखने को मिला। शहर में कुछ जगह थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ नजर आई। शायद कुछ लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं और शासन प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मार्केट पूरी तरह बंद है। कुछ इक्का दुक्का दुकानें की शटर थोड़ी बहुत खुली हुई है। लोगों को थोड़ा बहुत सामान चोरी छुपे बेचा जा रहा है, लेकिन सारा मार्केट पूर्णतः बंद है। आप सभी से निवेदन, कृपया अपने अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाहर की खबर हम आपको देंगे। दमोह शहर के एक एक चौराहे की खबर, जहां सारा मार्केट पूर्णतः बंद है। गौरी शंकर टेड्डा, गढ़ी मोहल्ला, पुराना थाना, ज्वालामाई चौराहा, सराफा बाजार, घंटाघर, अस्पताल चौराहा, बस स्टैंड, स्टेशन चौराहा, राय चौराहा, घंटाघर, धगड़ चौराहा, सारा मार्केट पूर्णतः बंद है। बसों का संचालन भी कम हो रहा है। बस में भी सवारियां नहीं मिलने के कारण इक्का दुक्का बसें ही अपने गंतव्य स्थान पर जा रही हैं। बसों के पहिए थम चुके हैं। आपसे निवेदन, कृपया अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, कोरोना से डरें नहीं। कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हुए हालातों को देखकर श्रीमान कलेक्टर महोदय ने 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक दमोह जिले की राजस्व सीमा के अंदर कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। जन सामान्य से निवेदन है, अपने अपने घरों में रहें। अति आवश्यक कार्य हेतु घर से निकलने पर मास्क लगाना एवं प्रशासनिक नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। कर्फ्यू के दौरान समस्त धार्मिक, राजनैतिक रैली, जुलूस या एक ही स्थान पर अधिक लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। जिले की समस्त प्रकार की मदिरा दुकानें, बार पूर्णतः बंद रहेंगे। आप सभी से निवेदन है, अपने अपने घरों में रहें एवं कोरोना जैसी इस महामारी से बचें। यह सूचना श्रीमान कलेक्टर महोदय एवं जिला प्रशासन दमोह के द्वारा जारी की गई है। दिनांक 19 अप्रैल रात्रि 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगातार प्रभावी रहेगा। घर पर रहें, बार बार साबुन पानी से हाथ धोते रहें। बीमारी का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग एवं शासन की गाइडलाइन का पालन करें। जय श्री राम, जय माता दी। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु चल रहे लॉकडाउन में माता रानी के जवारे विसर्जन हेतु जनसमूह एकत्रित ना हो, इसलिए जिन धर्म प्रेमी बंधुओं ने जवारे की स्थापना की है, वे अपने अपने घट खप्पर 21 अप्रैल दिन बुधवार को पूजा पाठ करने के उपरांत जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वाहनों में
बैठे हुए पंडित जी को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदान करें, जिनका बड़ी देवी मंदिर ले जाकर विसर्जन किया जाएगा। नागरिकों को स्वयं जवारे लेकर तालाब या मंदिर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। शासकीय वाहनों में विराजमान पंडित जी के द्वारा पूर्ण विधि विधान से विश्व कल्याण की कामना के साथ विसर्जन किया जाएगा। लॉकडाउन के अंतर्गत कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु किए जा रहे प्रयासों में सब मिलजुल कर सहयोग प्रदान करें। जवारे विसर्जन के संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ हेतु पुलिस कंट्रोल रूम के फोन नंबर 75 87 61 90 08 पर कॉल किया जा सकता है।